गाइस और क्यों बीजीएमआई डेड होना जा रहा चाहिए था अभी तक लेकिन नहीं हुआ है। जहां तक मेरे को लगता है लगभग डेड हो चुका है, लेकिन वीडियो है लेजी असैसिन भैया की। ये कहते हैं कि बीजीएमआई अभी तक डेड होना जाना चाहिए था लेकिन डेड नहीं हुआ है। लेट अस सी व्हाट द ट्रूथ। आ जाओ देखे भाई का टेक क्या है, आओ देखिए भाई का क्या नजरिया है और मेरा क्या नजरिया है जो पबजी का कंटेंट ही बनाता है। आओ, पबजी गेम ना पहली बार 2017 में आया था, तब से लेकर अब तक इसको ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं। जब ये पीसी पर लॉन्च हुआ था ना तो 50 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बेचकर ये दुनिया का मोस्ट सेलिंग पीसी गेम बन गया था। एंड इवन मोबाइल पे भी इससे 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा कमाकर मोस्ट सेलिंग मोबाइल गेम्स की लिस्ट में आ चुका है। इनफैक्ट इंडिया में तो इसका बार बार रिलॉन्च किया गया, फिर भी इसकी पॉपुलैरिटी डाउन नहीं हुई। सो आज की वीडियो में बहुत गलत बात हो गया। कैसे डाउन नहीं हुई भाई, जाके स्टैट देखो ब्रो, क्या बात कर यार। गेम कैसे बनाया गया एंड क्यों ये गेम पॉपुलैरिटी डाउन गया, बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है भाई। इंडिया में आज भी इतना ज्यादा पॉपुलर है, मतलब पॉपुलर है पर क्या हद बहुत सारे लोग ना इस बात कैप्चरिंग इंडिया। आओ देखिए इंडिया में ना मल्टीप्लेयर गेमिंग का सीन सिर्फ साइबर कैफेस के चारों तरफ ही घूमता था। वीकेंड या फिर वीकडे को अगर क्लास नहीं होती थी तो दोस्तों का एक फिक्स प्लान होता था कि भाई पास के लैंड गेमिंग पार्लर में जाएंगे एंड काउंटर स्ट्राइक या फिर डोटा 2 या फिर कोई और गेम में घंटों बिताएंगे। और अगर आपको वो टाइम याद है तो इंडिया के कुछ स्ट्रीमर्स ने पबजी पीसी पर खेलना शुरू कर दिया था, मतलब वो 2017 एंड 2018 का टाइम था। गिनती के कुछ स्ट्रीमर्स थे हमारे पास जैसे गोल्डी हिंदी गेमिंग एंड कैरी मनाटी, यही लोग थे जो सभी स्टोरी बेस्ड गेम्स एंड मल्टीप्लेयर गेम्स खेला करते थे। तभी हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा आना शुरू हुआ था एंड हम लोग इनकी स्ट्रीम्स या फिर गेम प्ले देखते रहते थे। मेरे को याद है भाई कि मैं घंटों तक कैरी की पबजी की स्ट्रीम्स देखता रहता था क्योंकि तब पबजी नया नया आया था एंड सभी लोग उसके पीछे पागल हुए हुए थे। मोबाइल नहीं, पबजी की बात कर रहा हूं, क्योंकि तब वो एक नया कांसेप्ट था एंड सभी को बहुत पसंद आ रहा था। कैरी अपने दोस्त लोग जैसे कि गनशॉट एंड सिख वॉरियर के साथ पबजी खेलते रहता था एंड मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के पढ़ने की जगह उनकी स्ट्रीम्स देखता रहता था। मतलब भाई सोचो 2 दिन बाद 12th के बोर्ड से एंड मैं कैरी की स्ट्रीम्स देख रहा हूं, गुदा तो था भाई। खैर मेरी बात छोड़ो, बट अगर आप लोग भी इन स्ट्रीमर्स को फॉलो करते आ रहे हो ना शुरू से तो आपने भी बहुत सारी स्ट्रीम्स देखी होगी उनकी एंड कैरी का फैन बेस इतना बड़ा था कि सभी को पबजी गेम बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। बट कोई उसे खेल ही नहीं सकता था बिकॉज उसके लिए चाहिए एक अच्छा पीसी। वो तो गेम जब मोबाइल पे लॉन्च हुआ ना तब उसने धमाल मचा दी क्योंकि कैरी की स्ट्रीम से लोग गेम को पूरा अच्छे से समझ चुके थे एंड अब वो उसे अपने डिवाइस में खेल भी सकते थे। उस टाइम स्ट्रीमर्स ने भी पबजी मोबाइल को स्ट्रीम करना शुरू कर दिया था क्योंकि लोग पागल हो रहे थे भाई गेम के पीछे। भाई मतलब सोचो लोगों के 10-10 हजार सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे एक दिन में एंड नए नए स्ट्रीमर्स अपने प्रो गेम प्ले एंड फनी कमेंट्री से खूब ग्रो कर रहे थे। कुछ ने तो बहुत ही यूनिक कंटेंट भी बनाना शुरू कर दिया लाइक डेथ रेसेस या फिर पेन फाइट मैचेस, डायनामो, मॉर्टल एंड ऐसे सौ लोग पबजी खेल के सुपरस्टार्स बन रहे थे। वैसे फन फैक्ट बताऊं, अगर आप सही में कैरी की स्ट्रीम्स देखते थे ना तो आपको पता होगा कि उस टाइम ना कैरी पबजी मोबाइल खेल के राजी नहीं था क्योंकि वो कहता था कि भाई मेरे पास इतना बड़ा पीसी है, PS4 है, 2 Nintendo है और मैं मोबाइल पे गेम खेलूं। वो तो फिर एमुलेटर का जब सपोर्ट आया तो उसके बाद उसके दोस्तों ने उसे कन्विंस कर लिया होगा, उसने पबजी मोबाइल खेलना शुरू कर दिया जिसके बाद पॉपुलैरिटी तो और स्काई रॉकेट कर गई। हम लोग के भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते थे ना तो हम लोग खुद पबजी खेल रहे होते थे बैठ के, इनकी स्ट्रीम्स देख रहे होते थे। तो ये सब ना एक पुराने दिन, ये जो भागते एग्जाम्स होते थे ना तो हम ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये थे यार, ये थे दिन। क्या है अब कुछ भी नहीं रहा गेम। हम लोग खुद पबजी खेल रहे होते थे बैठ के, इनकी स्ट्रीम्स देख रहे होते थे। तो ये सब ना एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह था, जैसे एक स्नोबॉल को बारिश से नीचे गिरा दो तो वो बड़ी होती जाती है क्योंकि स्नो उस पे चिपकती जाती है। उसी तरह पबजी की पॉपुलैरिटी भी और स्ट्रीम्स एंड और गेमर्स के साथ बढ़ती ही जा रही थी। इंडिया का मोबाइल बेस्ड कल्चर पबजी एंड बीजीएमआई के ग्रोथ का एक बड़ा रीजन था। इंडिया में ना 97% लोग एंड्रॉइड चलाते हैं और बजट स्मार्टफोन्स जैसे कि वीवो, ओप्पो और एमआई ने स्मार्टफोन्स का एक्सेस, अब वीवो ओप्पो बहुत कम हो गया जहां तक मैंने देखा है, लोगों पे दिमाग आ चुका है कि हाँ भाई ये तो खत्म ही सीन है तो अब लोग थोड़े ठीक फोन ले लेते हैं। खैर कुछ कह नहीं सकते, ये वन प्लस लाइन दिख रही है कुछ कह नहीं सकते भाई। सबसे बड़ी कभी महंगा एंड्रॉइड कभी मत लेना, गलती है, महंगा कभी मत लेना, उससे बढ़िया ना सस्ते लो, चार लो साल में, मजाक कर रहा हूँ, मतलब चार साल में चार लो ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक महंगा मत लो। 8,000 का तुम फोन ले रहे हो एंड्रॉइड तो उससे अच्छा 20 करके तीन ले लो, तीन साल में और टिकाऊ भी रहेगा, नया भी रहेगा। ये तो बहुत बड़ी गलती थी। अब ये कह रहे इसका स्क्रीन नहीं बनता है, कद्दू करो मैं इसका 2.5 साल और भी आसान बना दिया था। 2016 एंड 2017 के आसपास शाओमी के सस्ते फोन आने शुरू हुए थे एंड इन्होंने अपनी नोट सीरीज लॉन्च करी थी जहां सैमसंग के 10-12 हजार वाले फोन लैग करते थे। शाओमी ने कहा कि भाई हम बजट में ही ज्यादा परफॉर्मेंस देंगे जिसकी वजह से लोग पबजी जैसा गेम खेल पाए एंड उसको देख ओप्पो, वीवो, सैमसंग एंड बाकी सभी ब्रांड्स ने बजट रेंज में दमदार स्मार्टफोन लॉन्च करे। मेरा पहला फोन खुद ओप्पो रियलमी 1 था और गेम फ्री टू प्ले था जिसकी वजह से कोई एंट्री बैरियर रह ही नहीं गया था। एक दिन तो मैं देख रहा था कि भाई एक अंकल अपना काम कर रहे हैं, मतलब गाड़ी साफ कर रहे थे दूसरों की, एंड उनका नल्ला लड़का जो है वो 2 पैर पे बैठ के पबजी खेल रहा था। मतलब बजट फोन, फ्री गेम, चीप जियो इंटरनेट एंड खूब सारा खाली टाइम, इसका असर था कि भाई इंडिया में लगभग जुलाई 2020 तक 175 मिलियन पबजी मोबाइल के डाउनलोड्स हो चुके थे। पबजी ने इंडिया में सिर्फ गेम ही नहीं बल्कि सोशल गैदरिंग्स को भी चेंज कर दिया था। अब लोग सिर्फ बातें नहीं करते थे बल्कि पबजी खेलने के लिए मिलते थे और इस गेम रेगुलर अपडेट्स के थ्रू गेम को बिल्कुल फ्रेश अपडेट
अपडेट्स आते थे लाइक नए मैप्स, एग्जांपल के लिए सैनोक एंड मिरामार, देन नए वेपन्स का आना, नए व्हीकल्स आना, ऑटो रिक्शा भी आई थी गेम में, फिर स्नो मैप, टाइम रन आउट हो गया, समझ लो वैकेंटी भी आया था। इन सभी अपडेट्स से ना गेम का क्रेज कम होता ही नहीं था, इनफैक्ट यूजर रिटेंशन बड़ा ही ताकि पुराने यूजर्स बोर ना फील। उसके बाद इन्होंने गोबर रखना चालू किया क्राफ्टर वालों ने, फिर से बस तब से बस ऐसे ही जा रही है गड्डी सिर्फ करें। मुझे आज के कोलैबोरेशन थोड़े कम पसंद आते हैं बट उस टाइम लिमिटेड में अच्छे कोलैब्स होते थे, लाइक रेजिडेंट ईविल 2 रीमेक का कोलैब कितना ज्यादा बढ़िया था जिसमें गेम के अंदर ज़ॉम्बीज आ जाते थे एंड मिस्टर एक्स भी आ जाता था, खास नहीं लगा था लेकिन ठीक था। चलो इनके साथ खेल में काफी मजा आया, बहुत से अपडेट्स ना पीसी पर पहले आते थे एंड मोबाइल पर बाद में, तो इससे फायदा ये होता था कि भाई पीसी वर्जन में टेस्टिंग हो जाती थी एंड मोबाइल यूजर्स को फ्लॉलेस एक्सपीरियंस मिलता था। पबजी मोबाइल की रिलीज के बाद टेंसेंट एंड क्राफ्टन ने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जिसमें प्लेयर्स को ना अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिला, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। टेंसेंट ने 2018 में इंडिया एक्सक्लूसिव कैंपस मोबाइल टूर्नामेंट ओप्पो के साथ एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज किया और बाद में पबजी मोबाइल इंडिया सीरीज भी ऑर्गेनाइज किया। इन सारे टूर्नामेंट्स में बहुत बड़ा प्राइज मनी होता था जिसकी वजह से काफी लोग अट्रैक्ट होते थे गेम खेलने के लिए। इसके साथ ही इंडिया में ई स्पोर्ट्स भी ग्रो हुआ और बहुत सारी न्यू ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी। ये कहना गलत नहीं होगा कि यार ई स्पोर्ट्स एंड पबजी दोनों ने एक दूसरे की काफी हेल्प की है एक साथ ग्रो करने में। हाँ, कुछ लोग थोड़े ऑफेंड हो जाते हैं ये बात सुन के, बिकॉज़ पबजी के आने से पहले भी छोटे स्केल पे ही सही बट ई-स्पोर्ट्स था। वेनम किसी को पता भी था पबजी से पहले ई-स्पोर्ट्स का, किसी को पता नहीं था भाई, तो पबजी की वजह से ये जो भी है। लेट्स जस्ट बी रियल, जैसे सीएसगो प्लेयर्स एंड डोटा 2 के बहुत प्लेयर्स थे, सीएसगो डोटा 2 किसी को फर्क नहीं पड़ता था क्या ई-स्पोर्ट्स चल रहा है इंडिया में, कुछ फर्क नहीं पड़ता था भाई, बट इन गेम्स के ई-स्पोर्ट्स को इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली और पबजी ने आकर इनको ओवरटेक कर लिया। अपना देखो हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कुछ लोग नेगेटिव साइड पे फोकस करते हैं बट मैं पॉजिटिव पे करता हूं, क्योंकि देखा जाए तो स्पोर्ट्स एज अ फील्ड की पॉपुलैरिटी ना पबजी की वजह से बहुत ग्रो हुई है। अरे ये पबजी वाला, अरे अब इतनी पॉपुलैरिटी की वजह से क्या हुआ ना कि गेम एक पॉप कल्चर फिनोमेना बन गया, बिकॉज जो लोग गेम्स नहीं खेलते और नहीं शायद कभी खेलेंगे उन्हें भी पबजी जैसे गेम्स के बारे में पता लगने लगा। सबसे पहले तो भाई एंटरटेनमेंट यूट्यूबर्स ने पबजी से रिलेटेड बहुत कंटेंट बनाया, याद है ना वो अंगे ना तो पबजी इन रियल लाइफ वाली वीडियोस और एंग्री प्राश का पबजी रैप, मेन स्ट्रीम न्यूज गेम को कवर करने लगी जिससे कंट्री के एडल्ट्स को भी इस गेम के बारे में पता लगना शुरू हुआ। हाँ, जब कोई चीज इस लेवल की पॉपुलैरिटी हासिल कर लेती है ना तो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज भी आने लगती है, जैसे पबजी की वजह से जो क्राइम्स कमिट किए गए उसे देख बड़े लोग परेशान होने लगे। एक दिन तो मेरे पापा भी बोले कि तू ये पबजी तो नहीं खेलता ना, और फिर तो हमारे देश के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर मोदी जी ने भी कह दिया कि ये पबजी वाला है क्या, ये पबजी वाला है क्या, और उसके बाद बैन कर दिया। वेरी वेरी नाइस, सेम सेम बट डिफरेंट, व्हाट इज दिस। बट गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से 117 चाइनीज एप्स के साथ पबजी को भी बैन कर दिया था, और बहुत सारी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस एंड चेंजेस के बाद क्राफ्टन ने 2021 में बीजीएमआई को लॉन्च किया जो गेम को इंडियन ऑडियंस के लिए बनाया गया था। मतलब लॉन्च होने से पहले ना इस गेम के 40 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और लॉन्च होने के 50 दिन के अंदर इसके 50 मिलियन डाउनलोड था। मामला दोबारा लॉन्च हुआ, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। बीजीएमआई मास्टर सीरीज 2022 जैसे टूर्नामेंट्स ने लाखों लोगों को अट्रैक्ट किया और उसने प्लेयर्स की कम्युनिटी को बढ़ा दिया और बीजीएमआई को इंडियन ऑडियंस के लोकलाइज किया गया था। इसमें इंडियन सेलिब्रिटीज को फीचर किया गया और गेम में अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस का सपोर्ट भी दिया गया। बीजीएमआई इंडियन थीम्ड आउटफिट्स और वॉइस पैक्स भी लाया जो इस गेम को और भी पर्सनल बनाता था और इंडियन प्लेयर्स के बीच में और पॉपुलर बनाता था। बट लॉन्च होने के बाद से ही इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम होने लग गई थी क्योंकि मैचेस में हैकर्स बहुत आते थे जिसकी कोई दिक्कत नहीं थी, जिससे गेमिंग एक्सपीरियंस खराब होता था। हैकर के चक्कर में साले लेजिट प्लेयर बैन कर दिए, 40 किल से ऊपर करो बैन, ठीक है भाई। इसको लेकर ना जोनाथन मॉर्टल स्काउट एंड बाकी सारे बीजीएमआई प्लेयर्स ने भी बात करी जिसकी वजह से गेम की पॉपुलैरिटी पे इम्पैक्ट तो पड़ा ही पड़ा। उसके बाद फिर से गेम की वजह से बढ़ते क्राइम्स एंड चाइना के साथ डेटा शेयर के इश्यूज आने लगे जिसकी वजह से गेम को अचानक वापस से ब्लॉक कर दिया गया। फिर ये था इसके बाद से खत्म। कई महीनों तक क्राफ्टन एंड इंडियन गवर्नमेंट के बीच बातचीत चली, गेम में हरे पत्ते डाले गए, डेली प्लेइंग पर लिमिट लगाई गई एंड गेम ट्रायल बेसिस पर लॉन्च किया गया। कोई खराब रिपोर्ट्स ना होने के कारण गेम को हरी झंडी मिल गई एंड इसके टूर्नामेंट्स वापस से स्टार्ट हो गए। बट इस बार पॉपुलैरिटी इफेक्ट हुई थी क्योंकि लोग भी चुकी थी और खत्म हो चुकी थी, लगभग परेशान हो चुके थे कि यार गेम रैंडमली कब ब्लॉक कर दिया जाता है। तो उन्हें भी डाउट होता था कि गेम में प्रैक्टिस या ग्राइंड करने का फायदा है भी या फिर नहीं। ऊपर से बीच में दोबारा रिपोर्ट्स आई थी कि गवर्नमेंट वापस से बैन करने पे सोच रही है, वो तो अच्छा कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इन सब हर्डल्स के बाद भी गेम का प्लेयर बेस अभी भी स्ट्रॉन्ग है एंड चल पा रहा है, शायद इस बार उन लोगों की वजह से जो कि इसके एडिक्ट हो चुके हैं या फिर वो अपने फेवरेट स्ट्रीमर्स को यही खेलते हुए देखना चाहते हैं। अब कुछ नहीं है यार, अपना मतलब सबका ही कम है, ऐसा नहीं है कि मतलब सबका ही कम हो चुका है। यूट्यूब पे अगर तुम देखोगे यानी कि गेम की पॉपुलैरिटी भी कम हो गई है, शायद पता ना हो बट बहुत से स्ट्रीमर्स को ना पैसे कितने लोगों
को जानते होगे जो नहीं खेलते, तुम खुद नहीं खेलते होगे, आधे लोग जो देख रहे वीडियो वो खुद नहीं खेलते होंगे भाई अभी, क्योंकि क्या है क्या खेलना है। मैं मेरे इतने सारे दोस्त हैं नहीं खेलते भाई अब, मैं बस खेलता हूँ क्योंकि अपने को पीसा छापना इससे बस अपना काम ही है, नहीं तो मैं भी छोड़ देता कब का भाई। मेरे को वैसे भी बाकी गेम में ज्यादा मजा आता है, वो मैं कब का छोड़ देता हूँ। क्या मतलब भैया आप बस पैसों के लिए रुके, पैसों के लिए रुका तो वैसे लकड़ी या फिर गुडीज मिलते हैं इन रिटर्न फॉर प्लेइंग द गेम। और कुछ गलत भी नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज में एक्टिविजन बहुत पैसे देते हैं लोगों को ताकि सीओडी खिलवाए उनसे, एंड ऐसे ही इंडिया में बहुत से स्ट्रीमर्स को बीजीएमआई खिलवाया जाता है। और देखो ये सच पता नहीं भाई पैसा हमें तो नहीं देते, खैर भी है कि बीजीएमआई एक ऐसा देते बाकी वो देते हो गेम है जो 2024 में भी गेमर्स को पसंद आता है। लेकिन कुछ फैंस को लगता है कि ये बैटल रॉयल जोंडा के लिए ना बीजीएमआई का गेम प्ले थोड़ा पुराना हो चुका है एंड बोरिंग भी, क्योंकि वो उसे बहुत लंबे समय से खेलते आ रहे हैं जिसकी वजह से अब वो गेम सेम ही लगता है फिर चाहे उसमें कितने ही अपडेट्स आ जाएं। कुछ नया नहीं है ना बात ये है। में एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल बहुत अच्छा अल्टरनेटिव बन सकता था बट वो चल ही नहीं पाया एंड बंद हो गया। ना नहीं बन सकता था, बहुत मुश्किल था, खेल के देखा था मैंने गेम, मैं खेलते ही बता दूं क्या बन सकता है नहीं बन सकता था कोई। अच्छा ये भाई अच्छा ये लड़का अपनी वीडियो परमोट कर रहा है, साले बकवास करता है, कोई नहीं था वो अल्टरनेट, मजा कर रहा हूं, इज अ गुड गाय आई गेस। लेकिन सच अब तुम बताओ इन्होंने, अब तुम इनकी हरकतें देखो ना, चलो मैं अभी तुम्हें रिसेंट एग्जांपल देता हूं ठीक है। इन्होंने टाइम स्टैंप लगा दिया कि इतने दिन बाद वो मेका रोबोट मोड आएगा, इतने दिन बाद इन्होंने टाइम स्टैंप लगा दिया, उतने दिन बीत गए, कोई अता पता नहीं है, अपडेट कुछ बोला नहीं इन्होंने कब आएगा। लोग अंदर से इन्फॉर्मेशन निकाल के अभी बोल रहे 29 को गेम आएगा, पता नहीं वो भी क्या है। तो समझ लो कितना डिसअपॉइंटिंग है, तुमने 7-8 दिन का टाइमर लगाया, टाइमर बीता, लोगों ने इंतजार किया और कोई नामोनिशानी नहीं अपडेट का, कितनी खत्म बात है। और ऐसा भी नहीं कि तुम बिल्कुल ब्रांड न्यू बना रहे हो, सच्चाई क्या है तो पबजी का ही माल, सच बोल दू अगर तो है तो पबजी का ही कंटेंट सिमिलर है ना, बस चेंज चूंज कर रहे होंगे, सर्वर अलग होंगे, है तो सेम ही माल, उसमें भी तुम्हें टाइम लग रहा है। मैं तो कहता हूँ इनको ना जरूरत है पूरा स्टाफ ओवरहॉल करने की, पूरा नया स्टाफ लाओ क्योंकि जो अभी है इनसे ना हो नहीं रहा है काम, बिल्कुल नहीं हो रहा है। मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, इतनी बड़ी $1 बिलियन कंपनी हो गए, क्राफ्टन ऐसे मिस्टेक्स कैसे करती है मैं नहीं समझ पाता मेरे गाइस, मतलब बहुत ही शर्मनाक है ये। सर्वर लैग करते भाई अभी तक, सर्वर इतना बड़ा गेम है सर्वर लैग मारते हैं, शर्म की बात है। 5 लेजेंडरी गेम हुआ है बिन फॉरगॉटन, वी विल सी इट, मेरे को तो पता भी नहीं कोई इनमें से यार, लेकिन वी विल सी इट मे बी लेटर। लेकिन ये थी लेजी असैसिन की वीडियो, इनके चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। क्या तुम्हें लगता है पबजी बच भी डेड हो चुका है? मुझे लगता है कि डेड काफी हद तक हो चुका है, बिल्कुल जीरो नहीं हुआ है, क्योंकि जीरो कभी होता नहीं, कोई ना कोई खेल ही रहा होता है, जैसे क्लैश ऑफ क्लैन वगैरह वो भी चलता ही रहता है हमेशा, तो समझ रहे हो, तो वैसे फेज में आ चुका है अभी कि यहां बस चल रहा है जी, ऐसे ऐसे चल रहा है, बस थोड़ा चल रहा है, समझ रहे हो। मेरा कुछ और, मैं तुम्हें आज ही बता दूं, मेरा कुछ और कोई और चैनल तगड़ा चल गया ना मैं छोड़ दूंगा अगले दिन बजमी, तुम्हें ये मत सोचो ना मेरे को, मैं लॉयल हूं बजमी, पबजी अलग था बजमी अलग है, ये मत सोचना मैं लॉयल हूं, ना ना मेरा एक कुछ दिन कुछ चल गया ना भाई मैं छोड़ दूंगा खेलना, मैं ये मत बोलना भैया आप छोड़ के चल दिए, मैं छोड़ के चल दूंगा, मेरे को फर्क ना पड़े, अब मैं पागल हो गया यार खेल के, इसलिए नहीं कि गेम चलो जो भी है डाउन जा रहा है अब जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं यार, कंपनी वाले तो ढंग से काम करे, मेरे को बस दुख उस बात का है कि साली कंपनी काम नहीं करती भाई ढंग से, इनके जो डेवलपर्स है वो क्या कर रहे हैं, इस चीज का दुख है मेरे को पास, मेरे को गेम से वो नहीं है, गेम डाउनफॉल जा रहा है इसलिए मैं छोड़ दूं वो नहीं कह रहा हूं मैं, तुम इनकी हरकतें देखो वो कह रहा हूं मैं, बिन मतलब 2 बार मेरे को बैन किया गया है, बिन मतलब कैसा लगेगा बताओ, वो तो अनबैन हो गया बातचीत थी, बिन मतलब ना हैक ना कुछ ना बॉट, उसके बाद क्या कहते हैं किल बस हाई किए, बंदों ने रिपोर्ट किया बैन कर दिया, कितना बुरा लगेगा तुम सोचो, लाखों का माल पड़ा है उस पे, वो तो मेरा काम ही भैया, आप सोचो जिसका काम वो नहीं होगा उसने लाखों रुपए लगा रखे गेम में और बैन, लोग मेरे को मेंशन करते भैया आईडी बैन हो गई, साले मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं अनबैन भाई, मेरे खुद बैन कर देते मैं क्या कर सकता हूं, तो इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट है, गेम से मेरे को कुछ हो नहीं है, गेम के जो बंदे हैं उनसे वो है, अनपढ़ चीजें करेंगे, पता नहीं क्या प्रमोशन वीडियो बनाएंगे, छोड़ो खत्म करो, खर बेचते हैं।